हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर बाबा एंड ब्रोस प्रोजेक्ट। क्योंकि ऑब्वियसली सब बिल्डअप में लगे होंगे तो ये शाम को लाइव करने का मौका नहीं मिलता, और बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं इसलिए। तो स्पेशली दो दो मैचेस जिन पे हमारी फिर से नजर बनी रहेगी, बिकॉज एज यू ऑल नो गेम वीक 3 और 4 जो होते हैं वो रिवर्स फिक्सचर्स होते हैं एक दूसरे के। तो चेल्सी वर्सेस एसी मिलान जो सेंसीरो में होगा, मिलान के होम में होगा, एंड ऑफ कोर्स बार्सिलोना वर्सेस इंटर उस पे रहेगी। दोनों मिलान क्लब्स एक्शन में रहेंगे, क्या होगा कैसे होगा तो नजर डाल लेते हैं एक बार। और मेरे साथ हैं आज निधि भैया एंड मुक्तेश। मुक्तेश फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज बात करेंगे हम कि चल क्या रहा है। कोपनहेगन मैन सिटी विल लीव मकाबी हाइफा यूवेंटस, कुछ लग रहा है इसमें हो सकता है क्योंकि हाइफा के होम में बट कन्विंसिंगली जीत गई थी यूवेंटस। लगता है तुम लोगों को कुछ हो सकता है इसमें? ना ना नहीं आ सकता, नहीं हो सकता ना, यूवेंटस क्लियर विन है। निधि भैया आपको भी क्लियर? क्लियर क्लियर, यूवेंटस जीतने क्लियर वाली क्लियर, इजीली। ठीक है। मेनली तो यार देखो, बात मुझे जो करनी है ना, दो तीन फिक्चर्स की करनी है। डीनामो साल्सबर्ग भी मुझे लगता है कि नहीं, मतलब अब क्योंकि साल्सबर्ग शुड डीनामो के गेट होम में, इट। वैसे तो साल्सबर्ग जीत गई थी बट डीनामो के होम में तो डीनामो शुड गेट अ विन। हमको भी हरा दिया था उन्होंने होम पे, ओके तो देखते हैं क्या होता है। नाउ बट आई स्टिक मिलान विद चेल्सी, साल्सबर्ग। अच्छा ठीक है। मिलान चेल्सी की बात करते हैं, क्या लग रहा है जो परफॉर्मेंस चेल्सी की? दो बैक टू बैक 3-0 विन्स हो गई, और स्पेशली जो पिछली विन की हम बात करें, 5-6 मेन प्लेयर्स रेस्ट करा दिए थे टू कीप देम फ्रेश फॉर दिस गेम। और वुल्स, अगेन वुल्स की अगर हम बात करें तो मैनेजर लेस वुल्स थी, बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग थी नहीं बट टैलेंटेड प्लेयर्स थे उसमें। तो एज अ चेल्सी फैन मैं तो बहुत ज्यादा भी कॉन्फिडेंस लूंगा उस परफॉर्मेंस में। मतलब हमने थोड़ी बोला वुल्स को अपना मैनेजर सेक करो, वो वाली बात है। तो हम तो एस चेल्सी फैंस पॉजिटिव्स ड्रॉ करेंगे। पुलिसिक ऑन द स्कोर शीट, हैवर्ट्स ऑन द स्कोर शीट, ब्रोया ऑन द स्कोर शीट। तो यहाँ पर लगता है आपको कि मिलान के ऑब्वियसली फर्स्ट लेग में प्लेयर्स काफी सारे इंजर्ड थे, एक दो प्लेयर वापस आ जाएंगे जैसे थियो हर्नांडेज वापस आ जाएगा, और भी एक दो प्लेयर होंगे जो आएंगे। तो क्या लगता है इस मैच में, डू यू थिंक चेल्सी कैन डू इट अगेन, गेट अ रिजल्ट? बाबा मेरे हिसाब से उतना इजी नहीं होगा जितना पहले लेग में था, बट आई स्टिल फील मतलब ऐसा एक नैरो विक्ट्री फॉर चेल्सी आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस अप है टीम का। कुछ मतलब जो सीजन के स्टार्ट में हमको दिख रहा था, जो चेल्सी बेसिक्स जो गलत हो जा रही थी वो नहीं हो रहा है, तो आई वुड से दैट चेल्सी हैव एन एडवांटेज एंड आई सी वन गोल का डिफरेंस से विक्ट्री इजिली फॉर चेल्सी। मुकेश, आई एम श्योर कि मैं चेल्सी के प्रो में इस वाले मैच के लिए जाऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मिलान के होम पर है एंड दे हैव बीन मतलब होम के अंदर, तो एटलीस्ट मिलान विल हैव सम सॉर्ट ऑफ वो। बट आई फील लाइक इसका मतलब ये नहीं है कि दैट मिलान इज गोइंग टू गेट अ विक्ट्री इन माई ओपिनियन। आई फील लाइक चेल्सी को जो फॉर्म का फायदा है बिकॉज ऑफ दैट मिलान माई नॉट एक्चुअली बी एबल टू स्कोर अगेंस्ट दिम। तो इवन इफ इट इज अ गोललेस ड्रॉ, अगर चेल्सी जीती है ये मैच देन इट इज गोइंग टू बी लो स्कोरिंग ड्रॉ, नॉट लाइक द लास्ट टाइम। मतलब लो स्कोरिंग विक्ट्री होगी लाइक 1-0 लास्ट टाइम की तरह। आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू मतलब 3-0 ऐसे कर देंगे या 2-0 ऐसे कुछ कर देंगे। इफ इट इज गोइंग टू बी एट मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो स्कोर लाइन शुड बी लाइक 2-1, 1-0 ऐसा कुछ होगा इफ इट इज अ, एंड आई वुड एक्चुअली लाइक टू गो फॉर अ ड्रॉ, 1-1 ड्रॉ, क्योंकि मेरे हिसाब से मिलान हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स बैक जैसा कि आपने बोला, एंड स्पेशली उनके जो फुल बैक्स थे पिछली बार, जो पिछली बार आप चेल्सी खेले थे तो डेस्ट खेला था ना, शायद डेस्ट खेला था। तो आई बिलीव उनके सबसे बड़ी बात तो उनके जो फुल बैक्स वगैरह एंड देन मिडफील्ड के अंदर भी उनके दो ऑप्शन इंक्लूड हुए हैं अब, एंड दे जस्ट डिफीटेड यूवेंटस बिफोर, दे डिफीटेड यूवेंटस 2-0। तो आई बिलीव उसका थोड़ा सा तो दे आर गोइंग टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इनटू दिस फिक्सचर, क्योंकि वी माइट गो इनटू इट, वी माइट डू समथिंग। तो आई एक्सपेक्ट देम टू स्कोर 1 गोल एटलीस्ट फॉर दैट मैटर्स। बट देन चेल्सी बिकॉज दे आर इन अ ग्रेट फॉर्म, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू लूज दिस मैच, तो वो ड्रॉ तो निकाल लेंगे। बिल्कुल, मतलब मैं यही कह रहा था कि दोनों मिलान गेम्स में एक जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारी बहुत ही खराब स्टार्ट रही थी, हम साल्ज़बर्ग से ड्रॉ किया था, हमने ज़ाग्रेब से हार गए थे, तो विनिंग अगेंस्ट मिलान गेव अस दैट कॉन्फिडेंस, और एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि अगर हम इस मैच में मान लो फॉल्टर भी करते हैं तो ज़ाग्रेब और साल्ज़बर्ग से दो मैच बचेंगे विच माइट बी इनफ फॉर अस टू सी एस थ्रू। तो आई थिंक हमको अब ग्रुप तो क्लियर कर लेना चाहिए, जो एक टाइम पे लग रहा था कि शायद मुलाकात होगी यूरोपा लीग में हमारे भाइयों से, तो वो अभी लगता है कि थोड़ा सा शायद टल गया है फॉर टाइम बींग। और जिस तरीके की हम फुटबॉल खेल रहे हैं,
आई विल बैक माई टीम इन दिस वन बिकॉज मेरे को लगता है कि जब हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम खेलेगी, ओबामियांग, स्टर्लिंग, रीस जेम्स और मतलब कांटे अगर आ जाता है इस मैच के लिए, फिट नहीं होगा ऑब्वियसली, बट वो अभी आ जाता तो मजा आता। लॉफ्टस चीक का भाई जो अचानक से 2-3 मैच से वो खेल रहा है, गजब ही है। और कोवाचिच भी होगा इस मैच में, उसको भी रेस्ट दिया था वुल्स के अगेंस्ट, फिर थियागो सिल्वा को भी रेस्ट दिया था वुल्स के अगेंस्ट। तो हमारा काफी 5-6 जो मेन प्लेयर्स थे वो खेले नहीं थे, तो आई थिंक वो आएंगे तो हमारी टीम काफी स्ट्रांग होती है। और मतलब वील विल स्टिल हैव इनफ फायर पावर, क्योंकि एक जो मैंने चीज अभी नोटिस करी है ना पॉटर के अंडर की, बॉल का मूवमेंट बहुत तेज हो गया है पहले से, और वर्टिकल गेम ज्यादा हो गया है, उतना ही हम वल्नरेबल भी हो गए हैं पीछे, बिकॉज हम चढ़ के खेल रहे हैं बहुत ज्यादा, हमारी हाई लाइन हो गई है बहुत ज्यादा अगर तुम देखोगे तो। तो आई थिंक डेफिनेटली मतलब वो परेशान करेगी चीज मिलान को, हमने उनको जैसे ओवररन किया था मिडफील्ड में, वो चीज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। आई विल गो विद अ 2-1 विन फॉर चेल्सी, और 2-1 विन अगर हम कर लेते हैं तो बहुत, और फिर हमको एस्टन विला से खेलना अगला मैच इसके बाद, तो एक मोमेंटम सा बन जाएगा हमारे लिए, 3-4 एक अच्छी सी स्ट्रीक आ जाएगी फिक्स्चर्स की, तो आई थिंक उस लिहाज से भी जीतना ये बहुत जरूरी है हमारे लिए मैच, तो आई थिंक चेल्सी को करना चाहिए कुछ अच्छा यहाँ पे। ओके, शाख्तार रियल मैड्रिड, मुझे मतलब ऑब्वियसली शाख्तार इज नॉट अ इजी प्लेस टू विजिट, और वो भाई बड़ा ही शानदार गोल मारा था भाई उसने, जुबकोव ने, इनके फर्स्ट लेग में वो भाई अनशंटी पता ही नहीं क्या ही था वो, तो आई थिंक फिर भी जीतना चाहिए यार रियल मैड्रिड को, मतलब दे आर गोइंग स्ट्रांग यार। भाई मतलब आई थिंक शाख्तार कुछ प्रॉब्लम्स पोज करेगी, बट इट शुड एनीथिंग अदर देन रियल मैड्रिड विक्ट्री विल बी अ शॉक मेरे हिसाब से। बिल्कुल हाँ, तो इसमें तो रियल मैड्रिड, और मैं तो बल्कि आई एम इवन लुकिंग फॉरवर्ड टू करीम बेंजेमा गेटिंग बैक ऑन टू स्कोरिंग फॉर्म, लाइक जब से इंजरी से वापस आया ही हैज बीन क्वाइट अ बिट, सो आई फील लाइक दो इट इज गोइंग टू बी नॉट इजी एट शाख्तार अवे, बट स्टिल आई बिलीव कि करीम बेंजेमा he might actually have a say in this one. चलो देखते हैं क्या होता है। I think जैसा मैं भी आप लोगों से agreement में हूँ, I think a comfortable win for Real Madrid. Celtic Leipzig भाई एनकुंकू ने मचा दिया था पिछले गेम में, तो भाई अपन देख ही रहे थे लास्ट का जो अपन ने 20-30 मिनट देखा था इस मैच का, तो I think same is going to happen. मतलब Celtic ठीक है, difficult team है थोड़ी सी, but nothing is easy in Champions League. But I think Leipzig are too OP comparison to them. Correct. तो लाइप्ज़िग इसमें जीतेगी। डॉर्टमंड को मतलब दे विल स्वीप अवे सिविया, भाई उन्होंने जिस तरीके से सिविया, तो यार मतलब अभी तो एक लगेगा उनको भाई 1-2 साल रीबिल्ड करने में वापस, और अभी तो लालीगा में भी आई थिंक बॉटम 3-4 टीम्स में मुक्तेश सिविया इस समय है ना, दे आर वेरी पुअर को मैं शायद चेक, दे आर इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे रिलीगेशन जोन में है इस वक्त, मतलब मैं चेक करता हूं, वेट If I'm not wrong, they're in the relegation zone. मैं सेविया है इस समय 18th place पे relegation zone में बिल्कुल। Yeah. हाँ। struggle कर रहे हैं on the other end, हम Dortmund की बात करें तो बहुत confidence आएगा भाई जिस तरीके से उन्होंने last minute में वो draw कराया Bayern के against। Oliver Kahn का reaction भाई मैं तो बिल्कुल ही। तो I think Dortmund wins this one. I think I can speak for all of us. PSG Benfica interesting होगा। मतलब ये रिटर्न लेग है और पिछला मैच भी नो मेसी, मेसी का यार क्या अपडेट है मुक्तेश, मतलब लुक से कह रहे लॉन्ग टर्म इंजरी है, विल ही बी बैक? या ही विल बी बैक, मतलब पहले तो सिर्फ एक मैच का वो दिया जा रहा था, बट देन नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 3 मैचेस एंड फॉर फर्दर प्रोटोकॉल, मतलब दे आर सीइंग इट, दे आर नॉट गोइंग टू टेक रिस्क कि मतलब पूरा कर दिया गया है कि मेसी के मामले कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा, दे वोंट बी रशिंग इट क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो दे डिड सफर इन द लास्ट मैच, इट वाज नॉट अ डिलाइट टू वॉच, मतलब मैंने स्टार्टिंग के 15-20 मिनट देखे हैं, मैं तो आई वाज लाइक मैं तो बन गया उसके अंदर मेरा, क्योंकि पर्सनल बात है तो वो मेरी खराब बात है तो मैं उसके अंदर कुछ वो नहीं करना चाहूंगा कि मुझे मैसेज के बिना पीएचडी देखने मजा नहीं आता, बट ना दे वर नॉट ऑब्वियसली क्योंकि इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेसी सिस्टम का, अब बन गया मेसी नेवर, तो दे वर ऑब्वियसली सफरिंग एंड It was not easy last time. They drew last time, if I'm not wrong. Messi ने गोल मारा। हाँ, one वो Messi ने बेहतरीन गोल मारा था। हाँ, and then Benfica scored. तो I believe this time they might actually turn up. क्योंकि पहली बात तो home पर है, तो maybe we can see something from Mbappe. लेकिन Mbappe से बहुत demand आ रही है इस बारी home games के अंदर. They are cheering him a lot more than before. So I feel like this is going to be one of those games. But क्योंकि last game इतनी tricky हुई थी. So I would not be backing PSG that they are going to scheme away for this match.
बट आई फील लाइक इफ दे डू विन इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट परफॉर्मेंस विद एम्बापे, क्योंकि इफ मेसी इज नॉट ऑन द पिच लाइक द एंटायर सिस्टम डिपेंड्स ऑन एम्बापे, लाइक कंप्लीटली एम्बापे. निधि भाई, आपको लगता है इसमें कुछ मतलब इस बार अपसेट लग रहा है? बिकॉज लास्ट टाइम भी बेनफिका वर एबल टू गेट अ ड्रॉ, और इंटरेस्टिंग हो सकती है सिचुएशन इस गेम में. आई थिंक मैच ये अच्छा होगा. आई थिंक एक न्यूट्रल के लिए डेफिनेटली मैच इंटरेस्टिंग होगा, बट होम पे आई पर्सनली फील पीएसजी हैव टू मच क्वालिटी फॉर यू नो बेनफिका टू विन. बट आई फील दैट अगेन वो चेल्सी और मिलान का जैसे मैंने बोला ना, सिमिलर मैं बोलूंगा यहाँ पे होम टीम हैव टू मच क्वालिटी, मतलब वो एक गोल से आई सी देम विनिंग दिस. यूवेंटस पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, दे हैव टू विन देयर गेम अगेंस्ट मकाबी हाइफा, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का, एंड स्टिल दे विल बी ऑन थर्ड प्लेस, अभी 7 पॉइंट्स पे बेनफिका, और अगर बेनफिका ने यहाँ पर ड्रॉ या विन निकाल लिया जैसे तैसे गलती से भी, तो यूवेंटस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, बहुत प्रेशर आ जाएगा यूवेंटस पे. और यूवेंटस का जो फिर उनका वो मतलब ऑब्वियसली इफेक्टिवली मस्ट विन गेम हो जाएगा जो बेनफिका के अगेंस्ट उनका रिमेनिंग फिक्स्चर है इस समय. बेनफिका की शायद अभी स्ट्रीक चल रही है लाइक अबाउट 10-15 मैचेस अनबीटन. अरे बहुत सही टीम है बेनफिका यार, मतलब ये नहीं वो तो है ही, मतलब बट पिछले सीजन भी देख लो ना यार, वो जिस तरीके से वो खेले थे, वो एनफील्ड वाला जो सेकंड लेग था वो बहुत बेहतरीन खेली थी बेनफिका, उसमें वो आती है ना यूट्यूब पे कंपाइलेशन, द मैच दैट मेड क्लॉप साइन डार्विन न्यूनेस, द मैच, द मैच दैट मेड दिस मैनेजर साइन दैट प्लेयर, तो वो मैच था वो. भाई उस मैच में तो क्या ही खेला था यार न्यूनेस. वो तो भाई गजब था. 3-3 ड्रॉ हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 3-3 ड्रॉ हुआ था. हाँ, I am going to be a bit bold. I'll go with a 1-0 Benfica win in this one. I'll go for a draw. I'll go for a 1-1 draw once again. Benfica win ke liye jata hu. Messi nahi hai na. So I think thoda sa wahan pe dekhte hain kya hota hai. Not that guy to provide that bit of magic in the final third. So dekhte hain kya hota hai. Well, obviously Mbappe is also capable of doing that. But you know what I mean, right? Okay. Napoli Ajax pitai. First leg mein bhai 6 goal maar diye. इस बार तो होम पर है, और ये आई थिंक आयक्स हारेगी तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि लिवरपूल डिपेंड करती है बहुत ज्यादा इस रिजल्ट पे, बट लिवरपूल स्टिल हैव डेस्टिनी इन देयर ओन हैंड्स बिकॉज दे हैव बीटन आयक्स, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट एक कुशन आ जाएगा और लिवरपूल के लिए अगर आयक्स हार जाती. इट विल हेल्प. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है. तो अगर अपन एक बार पॉइंट्स में अगर आप लोगों के साथ बता देता हूं ना, नापोली है 9 पॉइंट पे, हम है 6 पॉइंट पे, आयक्स है 3 पॉइंट पे, और रेंजर्स है 0 पे. हाँ, तो आप लोग जैसा देख सकते हो ये सिचुएशन है. तो अगर यहाँ पे आयक्स बिल्कुल हार जाती है तो इफेक्टिवली डेड एंड बेरीड हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा कि भाई नापोली और लिवरपूल 90% नापोली का तो कंफर्म ही हो जाएगा मैथमेटिकली. लिवरपूल विल हैव वन लेग इन द राउंड ऑफ 16 अगर वो जीत जाती है अपना गेम्स रेंजर्स से. तो आई थिंक लिवरपूल भी रेंजर्स से जीत ही जाएगी, मतलब ठीक है नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स और वो सारी बातें हैं, बट आई थिंक आयक्स के टाइम पे भी यही चल रहा था, लिवरपूल वर नॉट प्लेइंग वेल, बट दे समहाउ यूरोपियन नाइट्स पे लिवरपूल टर्न अप. वो नापोली वाला गेम एक बार अपन हटा दें तो उसके अलावा भी आई थिंक लिवरपूल इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर रेंजर्स मेरे हिसाब से. तो दिस ग्रुप इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जीतना तो चाहिए. मैं वही बोलूंगा कि अगेन मैं यहाँ पे अंडरडॉग कार्ड प्ले नहीं कर सकता, जीतना तो चाहिए, बट वही है कि यू नो वी हैव टू बी आल्सो थोड़ा केयरफुल. रेंजर्स में है क्वालिटी, जैसे अगर आप लिवरपूल रेंजर्स का मैच देखोगे तो लास्ट के 2 मिनट में रेंजर्स काफी अटैक कर रही थी, वो उतना एडवेंचरस ही नहीं थे शुरू के पूरे मैच में. तो यहाँ पे अगर वो अप्रोच चेंज करते हैं तो हमको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. हैविंग सेड सो, लुइस डियाज बाहर है, ट्रेंट बाहर है, आई थिंक गोमेज राइट बैक खेलेगा. लुइस डियाज को लॉन्ग टर्म इंजरी हो गई, दैट इज अ कॉज फॉर कंसर्न, मतलब जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है वर्ल्ड कप के बाद आएगा वो, मतलब ठीक होके एग्जैक्टली. तो मतलब आई विल ऑब्वियसली बैक लिवरपूल इन दिस गेम, बट थोड़ा ट्रिकी हो सकता है ये. बिल्कुल बिल्कुल. I think Muktesh, you will also agree कि straightforward ही है, Napoli and Liverpool will qualify. Yeah, Napoli. Yeah, pretty sure. यहाँ तो Liverpool should not. I'm pretty sure they're not going to fumble it from here.
यार फंबल की हम बात करें तो बात करेंगे एटलेटिको मैड्रिड की, मतलब जिस तरीके से इन्होंने इस ग्रुप में इस बार भाई डिसअपॉइंट किया है ना, एंड दिस इज अ ग्रुप विच इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इस ग्रुप की क्या सिचुएशन चल रही है। क्लब ब्रूज करंटली ऑन टॉप विद 9 पॉइंट्स एंड लेवरकुसेन इज थर्ड एंड एटलेटिको इज ऑल्सो मतलब ऑन 3 पॉइंट्स बट फोर्थ है वो गोल डिफरेंस की वजह से थर्ड पे, और वो हेड टू हेड मतलब अब यहाँ पे लोग पूछेंगे कि पोर्टो और एटलेटिको मैड्रिड का -3 का है तो वो टॉप पे क्यों, वो भाई हेड टू हेड होता है चैंपियंस लीग में, गोल डिफरेंस से पहले प्रायोरिटी हेड टू हेड को दी जाती है इस वजह से, तो ये चीज है। तो ब्रूज ने भाई तरीके से हराया पिछला गेम तो एटलेटिको को 2-0। क्या लग रहा है मतलब नाउ इज द टाइम फॉर सिमियोनी डार्क आर्ट्स टू वर्क इन द सेकंड हाफ ऑफ द ग्रुप स्टेज, अब यहां से अपन देखेंगे इफ ही डज विन, मतलब क्लब ब्रूज के साथ ही है ना उनका मैच है ना, इफ ही डज विन अगेंस्ट क्लब ब्रूज दे मूव टू द सेकंड स्पॉट फॉर एग्जांपल, इफ अगर जैसे कुछ बाकी मैच के अंदर कुछ और ऊपर नीचे होता है एंड देन पीपल आर गोइंग टू काम डाउन कि चलो कुछ नहीं हुआ कुछ वो नहीं हुआ, बट आई बिलीव जिस तरीके से लाइक पीपल शुड एक्चुअली कीप इन माइंड दैट इट रियली हैजंट बीन अ ग्रेट स्टार्ट। अगर तुम उनके मैचेस वगैरह सारे देखोगे लाइक दे इवन लीग के अंदर दे हैव एक्चुअली वन अ लॉट ऑफ गेम्स इन द डाइंग मिनट्स, लाइक लिटरली 90 मिनट में एक गोल आ रहा है, 90+8 में एक गोल आ रहा है, दे आर स्कोरिंग इन एक्स्ट्रा टाइम, तो दे हैव बीन विनिंग लाइक दिस व्हिच इज ऑलराइट, दे आर विनिंग एट लीस्ट, बट दैट्स नॉट रियली हाउ प्रोबेबली अ फैन या फिर एक टीम हर मैच अप्रोच करना चाहेगी। तो आई बिलीव दीज आर कंसर्निंग टाइम्स फॉर एटलेटिको मैड्रिड एंड डिएगो सिमियोने। इस मैच में क्या लगता है एक चीज है कि नाउ ही कैन प्ले फॉर लॉन्गर मिनट्स, उसने एक बोनस मांगा मेरे से कि मैं लूंगा $780,000 पाउंड्स एट द एंड ऑफ द सीजन अगर मेरी 20 या उससे ज्यादा क्लीन शीट आई। मैं कहा ठीक है, मैंने ओन गोल मार देना है जीतते जीतते मैच में, एंड में तेरी क्लीन शीट नहीं आएगी तो तेरे को बोनस नहीं देना पड़ेगा। तो बार्सा कुछ ऐसा ही कर रही थी ग्रीज़मैन के साथ, सॉरी एटलेटिको ऐसा ही कर रही थी ग्रीज़मैन के साथ कि बार्सा को उनको वो पेमेंट ना करनी पड़ेगा अगर उतने मिनट्स खेल ले, तो बड़ी फनी सी सिचुएशन थी। तो हाँ निधि भैया प्लीज कंटिन्यू। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि अब वो खेल सकता है और मतलब एट सम पॉइंट क्वालिटी डज शो अप, बट आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ इन दिस गेम। मैं बोल रहा हूँ कि ये स्कोरलेस ड्रॉ होगा। स्कोरलेस ड्रॉ मुक्तेश, नहीं समझ नहीं आ रहा मैं फेरान जूटला स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं या फिर आई शुड गो फॉर एटलेटिको। I think यार होम में एटलेटिको, मतलब मैं तो 1-0 विन के लिए जाऊंगा इसमें, 2 एटलेटिको। They will scrape out a win. Like I feel like they are going to scrape out a win. हाँ मतलब वो surprising भी नहीं होगा। हाँ। तो I'll go for a 1-0 victory, 2-0 victory to एटलेटिको, like just for giving a different prediction. चलो ठीक है। Okay, Leverkusen Porto दूसरा मैच है इसका, ये भी बड़ा मतलब अजीब सा मैच है। अगेन लेवरक्यूसन का स्टार्ट भी अच्छा नहीं रहा है उनकी लीग में, तो वो वही वाली चीज है। आई विल गो विद अ ड्रॉ इन दिस वन यार, मतलब क्या ही प्रेडिक्ट करूं उसमें, तो मैं बहुत क्लोजली तो ऑब्वियसली देखा नहीं है दोनों टीम्स को उनके रिस्पेक्टिव लीग में, तो आई विल गो विद अ ड्रॉ इन दिस वन। पिल्सन बायर्न जरूरत नहीं है बात करने की। ये तो मैच आई विल गो फॉर अ लेवरक्यूसन विन क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स इज नाउ लेवरक्यूसन मैनेजर, अपन चले जाते हैं वहां पे। ग्रुप डी पे आते हैं,
ठीक है, यहाँ पर मैचेस हैं, टॉटनम होम है वर्सेस फ्रैंकफर्ट और स्पोर्टिंग होम है वर्सेस मार्से। अब यहाँ पर मतलब ऐसा ही अभी सिचुएशन चल रही है कि अगर गलती से फंबल कर दिया स्पर्स ने और मार्से जीत गई अपना मैच स्पोर्टिंग से, मार्से ऑन दी अदर एंड चैंपियंस लीग में अच्छा नहीं रहा उनका स्टार्ट, अपनी लीग में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, तो वो मतलब एक टीम है विच यू शुड लुक आउट फॉर, और उन्होंने हराया अभी अपना पिछला मैच स्पोर्टिंग को। तो यहां पर अगर स्पर्स ड्रॉ भी कर गई और मार्से जीत जाती तो भाई स्पर्स आ जाएगी थर्ड प्लेस पे, मुझे तो लग रहा है, पता नहीं स्पर्स शायद बाहर ना हो जाए। ये बड़ा ग्रुप अजीब सा है यार, इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ ये फुल मतलब इसमें फुल पोटेंशियल है ड्रामा होने के, दिख भी रहा है, मतलब पूरा ड्रामेटिक है ना, 6-4, 4-3 मतलब एकदम ही क्लोज है। और आप सोचो जब ड्रॉ हुआ था तो सबने बोला था कि एकदम सेल करेगी टॉटनम ये ग्रुप, बट फंस गया ये ग्रुप पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, देख कोई भी क्लियर नहीं, इवन स्पोर्टिंग इज यू कांट से स्पोर्टिंग कंफर्टेबल, बिल्कुल भी नहीं। हाँ हो सकता है स्पोर्टिंग बाहर हो जाए, बाकी टीम अपना मैच जीत जाए। मैं कह तो रहा हूँ मार्से जीत गई सपोज अपना मैच तो दे गो टॉप ऑफ द टेबल, दे गो टॉप ऑफ द टेबल, थंपिंग विक्ट्री हो गई तो, और यही स्पर्स का ड्रॉ हो गया या हार गए तो वो सेकंड पे ही रह जाएंगे, फ्रैंकफर्ट टॉप पे हो जाएगी, फ्रैंकफर्ट जीत गई तो। एंड मार्से ने स्पोर्टिंग, मार्से ने स्पोर्टिंग को अच्छे से पेला था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर मतलब अब रुको, If I'm not wrong, तो काफी बढ़िया विक्ट्री हुई थी, लाइक प्रोबेबली 2-3 गोल डिफरेंस हुई थी, एक बार चेक करना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। नहीं मतलब 2-0, 4-1 हराया था भाई साहब। हाँ देखा, हाँ क्योंकि क्योंकि शायद से मतलब ऑब्वियसली पहले मतलब मैच से पहले जस्ट वॉच अलोंग से पहले जब पूरे चैट यही कह रही थी कि मार्से ने स्पोर्टिंग को सरप्राइजिंगली पेल दिया, फिर जब मैंने रिजल्ट देखा था वो शॉक्ड, तब 2 गोल का डिफरेंस चल रहा था, एंड देन दे इंक्रीज इट टू 3 गोल डिफरेंस, तो देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी दे एक्चुअली रिपीट इट। यार आई गेस फ्रैंकफर्ट विंस, मैं प्रेडिक्शन देता हूं पहले, फ्रैंकफर्ट विन अगेंस्ट टॉटनम, ठीक है ठीक है ठीक है, राइवलनेस ओपी ठीक है, और मार्से बीट स्पोर्टिंग, जो फर्स्ट और सेकंड है वो थर्ड और फोर्थ हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस मैच डे। नहीं नहीं, टॉटनम फोर्थ में चली जाएगी। हाँ वही मतलब मैं कह रहा हूँ, जो ऊपर के दो हैं वो नीचे आ जाएंगे और जो नीचे के दो हैं वो ऊपर चले जाएंगे, जो नीचे के दो थर्ड फोर्थ तो अपने अपने मैच। क्या लगता है निधि भाई आपको ये? यार चलो आप ये प्रेडिक्शन छोड़ो, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ आप दोनों के लिए, कौन दो टीमें आ रही हैं इस ग्रुप से? स्पोर्टिंग और स्पर्स, आई थिंक स्पोर्टिंग और स्पर्स, स्पोर्टिंग और स्पर्स, मुकेश मतलब, बट इट विल गो टिल द लास्ट डे, मुझे ऐसा लगता है। वो तो है ही, लास्ट डे तक तो जाएगा ही, वो तीन मैच अभी तो सबको एक दूसरे से खेलने, वो तो दिख ही रहा है, मार्से मजा आने वाला है। मार्से और स्पोर्टिंग, नाइस, दैट इज व्हाट आई वांट टू हियर, बट रियलिस्टिकली आई विल से मार्से एंड स्पर्स, I think Spurs will find a way. They are too quality for other teams. So, हो सकता है फ्रैंकफर्ट कुछ सरप्राइजिंग कर दे, बट कोई है मतलब memes. मुझे तो memes देखने, that's it. Memes चाहिए. Every big team in Europa who says no. And talking of Europa, group C. I say no. This is the main event जो हमको last में discuss करना है, और मतलब इस ये तो भाई इस दी फिक्स्चर भाई, आप दो देख सकते हैं क्रॉसेस यहाँ बारसा के अगेंस्ट, बिल्कुल, तो एक टेंशन वाला विषय है थोड़ा सा बारसा के लिए, बट अब तबीयत से बात करते फुल स्क्रीन करके, अब शेयर करने की जरूरत नहीं है स्क्रीन, बारसा इंटर है, प्रीव्यू तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली पूरा, मतलब एक जनरल जानने की कोशिश करेंगे, इंजरी आई थिंक कंसर्न्स हैं कुछ इंटर को और बारसा को भी हैं, बारसा की भी बैक लाइन में काफी इश्यूज है, विल जूल्स कुंडे बी बैक फॉर दिस फिक्स्चर? मुक्तेश नहीं, नो ही वोंट बी, एंड एल क्लासिको के लिए भी इट वाज एंटीसिपेटेड दैट ही विल बी बैक, बट इट इज टच एंड गो था, कंफर्मड, हां टच एंड गो है उसके लिए तो, या हां तो इस मैच में तो नहीं खेल रहा। हां जैसे कल अगर अपन सेल्टा वीगो के अगेंस्ट देखें जो बैक लाइन खिलाई थी शावी ने, तो इट वाज एरिक गार्सिया, इट वाज बाल्डे, नो, इट वाज बाल्डे, जेरार्ड पीके, मार्कस अलोंसो एंड जॉर्डी एल्बा,
अच्छा मार्को, हाँ अच्छा मार्कोस अलोंसो, ये जेरार्ड पीके की जगह एरिक, शुरू में मैंने कहीं पढ़ा था तो लॉन्डे वो लाइव में एरिक गार्सिया लिख रहे थे जब मेरा लाइव चल रहा था ना उसका, आर्सेनल लिवरपूल का, तब एरिक गार्सिया, तो बाद में शायद हाँ जेरार्ड पीके डाल दिया उसने तो। हाँ भाई मार्कोस अलोंसो सेंटर बैक कौन खेल रहे थे? मार्कोस अलोंसो और जेरार्ड पीके। मार्कोस अलोंसो सेंटर बैक खेल रहा था भाई, उसमें जीतना इज समथिंग भाई, उस पे जीतना है भाई, देखूंगा यार, देखना पड़ेगा मार्कोस अलोंसो का सेंटर बैक, देखना पड़ेगा मुझे सही में, ये तो मैं भी देखना चाहता हूं मार्कोस अलोंसो। द लास्ट 15 मिनट्स वाज, आई डोंट वांट टू लिव थ्रू दोस लास्ट 15 मिनट्स वंस अगेन, मतलब आई जस्ट डोंट वांट दोस लास्ट 15 मिनट्स एवर अगेन इन माय लाइफ। बट ठीक है ना यार, इंजरीज होती है तो ऐसे ही तो ग्राइंड करते हैं रिजल्ट। हां मतलब भाई यार किसी तरह, बट ये है कि हां मतलब बैकलाइन तो चलो ठीक है, अब अपनी इंजरीज है ही तो बैकलाइन से तो अपन कुछ कंप्लीट कर नहीं सकते, द लीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट इज आवर फ्रंट लाइन टू डू बेटर। तो अभी कौन-कौन अवेलेबल है जो खेलेंगे मैच में इंटर वाले में सेंटर? अगर मैं एक्सपेक्टेड लाइनअप सोचू जैसे कि मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, आई फील लाइक कि राइट बैक पोजीशन में वी माइट गेट टू सी सर्जी रोबर्टो, ठीक है, एक सेंटर बैक इज गोइंग टू बी पीके, एक इज गोइंग टू बी एरिक गार्सिया, एंड जो लेफ्ट बैक होगा आई वॉन्ट दैट टू बी बाल्डे, ठीक है, बट वी कैन ऑल्सो सी बाल्डे ऑन द राइट एंड मार्कस अलोंसो ऑन द लेफ्ट या जॉर्डी अल्बा ऑन द लेफ्ट। Like Jordi Alba, Marcus Alonso for me, like अगर कोई एक चीज एक प्रोवाइड करता है, एक चीज दूसरा प्रोवाइड करता है, और हगना दोनों प्रोवाइड कर देते कभी कभार, तो दैट इज काइंड ऑफ घूम फिर के सर्जी रोबर्टो, जेरार्ड पीके, Jordi Alba, यही हो जाता है कुछ भी कर लो, क्रूशियल मैचेस में यही बैकलाइन होती है भाई, like इट इज रिटन इन द स्टार्स, इट इज लाइफ ऑफ अ बार्सा फैन भाई, इट डजंट मैटर कि तुमने कितना भी खर्चा कर रखा हो, कितने भी प्लेयर्स लेकर आए हो, एट दी एंड तुम्हें Jordi Alba, जेरार्ड पीके और सर्जी रोबर्टो सर्जी रोबर्टो खिलाने पड़ेंगे। मतलब वो हमारे जैसा है यार, कि इट्स लाइक तुम सोच लो केटा और फबीनियो और ये एंड में खेलना मिलनर को ही है तो क्या कर सकते आई थिंक इंटर के साथ भी कुछ एक दो इश्यूज हैं इंजरीज के, उनके पढ़ रहा था, दो इश्यूज है शायद, आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब वन इन द मिडफील्ड एंड वन इन द डिफेंसिव, अगर मैं सही हूं, ब्रोजोविच, ब्रोजोविच है ना शायद, ब्रोजोविच और बास्तोनी का भी शायद कुछ था यार, बास्तोनी ना हो यार, डोंट टेल मी बास्तोनी, आई वांट दैट गाय, अच्छा वो चाहिए वो फील्ड के ऊपर, नहीं एक एक है मतलब आई मे बी रॉन्ग, पता नहीं, ले लेट मी देखते देखते मैं भी चेक करता हूं, तो उस पे भी काफी डिपेंड करेगा कि दोनों टीमों के इंजरी इश्यूज कैसे हैं क्या है। ठीक है अभी के लिए तो देखो, वैसे मैं इंटर मिलान के मतलब मैंने प्लेयर सर्च वगैरह कर रहा था तो मुझे अभी के लिए कुछ नहीं मिल रहा सिग्निफिकेंट फॉर दिस मैच, देखो गावी स्टार्ट करेगा इसमें मुक्तेश? देखो पिछली मैच के अकॉर्डिंग तो ही शुड स्टार्ट, लाइक ही वाज द बेस्ट प्लेयर फॉर अस इन द लास्ट मैच जो ला लीगा वाला हमारा हुआ है सेल्टा वीगो के अगेंस्ट, लाइक ही वाज एक्सेप्शनल, लाइक वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा खेला वो, बट लास्ट टाइम व्हेन वी वर नॉट विद फ्रेंकी डी योंग वी सफर्ड अ लॉट, तो आई फील लाइक दैट वुड बी अ रीजन व्हाई फ्रेंकी डी योंग इज स्टार्टेड, बिकॉज इन लास्ट मैच इट वॉज लाइक ऐसा लग रहा था बस एक फ्रेंकी डी योंग अगर फील्ड के ऊपर होता तो वी माइट हैव डन समथिंग एटलीस्ट, ऐसा लग रहा था, बट दिस टाइम व्हेन वी हैव गॉट फ्रेंकी, लाइक फ्रेंकी के ऊपर अभी भी इतना वो नहीं है, लाइक ही इज नॉट 100% इन फिजिकल कंडीशन, पिछली बार भी ही केम ऑफ द बेंच जो लीग मैच हुआ हमारा सेल्टा वीगो में, तो आई फील लाइक वी माइट गेट टू सी हिम स्टार्टिंग इन दिस गेम, बट समवॉट थोड़े टाइम बाद वी गेट गावी इनटू द गेम अगर थिंग्स गो राइट फॉर अस, और इफ गावी स्टार्टेड ठीक है तो मेरा कंसर्न बस ये होगा कि आई वुड लाइक टू सी कि हमारे विंगर्स कौन होते हैं, क्योंकि गावी यूजुअली क्योंकि गावी की नहीं ये भी बहुत डिपेंड करता है, लाइक गावी तब खेला जाएगा जब हम लोग अपने फुल बैक्स के ऊपर वी यूज प्लेयर्स लाइक जिन्हें डिफेंसिव बैकअप देने की जरूरत पड़ती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मार्कस अलोंसो इज प्लेइंग लेफ्ट बैक ठीक है तो अगर उसे डिफेंसिव बैकअप देने की जरूरत है ना तो देन वी प्ले समवन लाइक गावी, या इवन राइट बैक के ऊपर अगर हमें सर्जी रोबोटो खिला रखा है एंड उसे डिफेंसिव बैकअप देने की जरूरत है,
इन सिचुएशंस के अंदर गावी प्रेफर्ड मोर ऑफन, क्योंकि ही इज एबल टू बी ऑलवेज देयर, एंड अगर वो कोई गलती करते हमारे फुलबैक्स ओवरलैप के ऊपर तो वो ही इज द फर्स्ट पर्सन टू गो एंड मेक दैट टैकल एंड इंटरसेप्ट द बॉल. तो हमारी बैकलाइन के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करेगा गावी का सिलेक्शन. बट इफ ही सिलेक्टेड देन आई डोंट थिंक कि जिस हिसाब से उसकी पिछली बारी काफी ठंडी परफॉर्मेंस गई थी एंड इंटर के प्लेयर्स ने उसे काफी ट्रॉल भी करा काफी ज्यादा फॉर वन ऑफ द मेन रीजन जो मैं चाहता हूँ कि बास्तोनी ना हो इन आउट ऑफ दिस मैच. अच्छा तू इसके लिए तू चाहता कि बास्तोनी खेले. अच्छा ठीक है तो अगर तो इफ अगर एकदम खून गरम गरम खून डालने के लिए उसे स्टार्ट करा दे तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा. बट अगर कोई मेरा मतलब अगर मैं ऑब्वियसली शावी बेट नोज बेटर बट एज अ फैन एज समबडी हु वॉचेस द मैचेस एवरी डे आई वुड लाइक टू सी फ्रेंकी डी योंग, क्योंकि गावी इज अ बिट टू हॉट लाइक टू हॉट हेडेड और उस फिक्चर के अंदर आई डोंट वांट कि वो कुछ अर्ली रेड कार्ड वगैरह या फिर कुछ ऐसा कर दे जो हमें बाद में ट्रबल दे. आई थिंक प्रेशर तो बहुत है यार, मतलब ये तो मस्ट विन गेम ही है. मतलब ये अगर मस्ट विन गेम इफ वी ड्रॉ इवन इफ वी ड्रॉ वी आर इन यूरोपा. क्यों कैसे यार इफ वी ड्रॉ वी आर इन यूरोपा कैसे क्या कैसे यू लुक एट द टेबल वी आर थर्ड राइट नाउ वी आर थर्ड राइट नाउ. अगर हम यहां ड्रॉ कर जाते हैं देन वी हैव टू डिफीट बायर्न म्यूनिख. पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है अगर हम यहां पे ड्रॉ कर जाते हैं देन वी हैव टू तो यहां तुम ड्रॉ कर जाते हो तो 7 हो जाएंगे इंटर के, तुम्हारे हो जाएंगे 4 4 हां देन वी हैव टू डिफीट बायर्न म्यूनिख. फिर तुम्हारा एक मैच है बायर्न के साथ लेकिन लेकिन इंटर का भी तो एक मैच है बायर्न के साथ. मान लो कि तो इंटर लूजेस ठीक है तो दे रिमेन एट 7. वी मैं तो कह रहा हूं इफ वी ड्रॉ अगेंस्ट इंटर देन इट वुड बिकम अ नीड फॉर अस टू विन अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख डिस्पाइट ऑल आवर इंजरीज एंड यू हैव टू होप कि इंटर डिफीट ये बायर्न डिफीट इंटर या कि बायर्न डिफीट इंटर 1% अगर इंटर ने बायर्न के अगेंस्ट ड्रॉ भी निकाल लिया तो देन वी आर अगेन आउट. और क्योंकि बायर्न वुड हैव क्वालिफाइड अंटिल देन कल के मैच मतलब इस वाले मैच के बाद बायर्न क्वालिफाई कर जाएगी मैथमेटिकली. मतलब हाँ मतलब अगर कल ड्रॉ भी हुआ तो मैथमेटिकली तो पॉसिबल है लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें होनी पड़ेंगी बहुत इफ एंड बट्स हो जाएंगे क्योंकि मतलब वी आर मोर लाइकली टू बी इन यूरोपा. लाइक जैसे अगर अभी एक पैर यूरोपा के अंदर है तो फिर डेढ़ पैर यूरोपा में आ जाएगा ये फर्क है क्योंकि बायर्न भी इस मैच के बाद नाउ दे आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द यूस मतलब नॉकआउट स्टेजेस. तो अब अगले वाले मैचेस के अंदर इफ दे प्ले देयर सेकेंडरी टीम फॉर एग्जांपल ठीक है दे कैन प्ले देयर सेकेंडरी टीम अगेंस्ट बार्सिलोना एज़ वेल. नहीं 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 अगर ड्रॉ हुआ तो तुम वैसे भी बाहर हो तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता और किसी चीज पे. क्यों अगर ड्रॉ हुआ हेड टू हेड इंटर का बेटर रहेगा तुमसे. अगर ड्रॉ हुआ तो तुम इंटर 7 तुम 4 इंटर अपना 1 हारी और एक जीत गए बायर्न से और तुम दोनों जीत गए अपने तो दोनों के 10-10 पॉइंट हो गए. या लेकिन इंटर हेड टू हेड इंटर का हेड टू हेड बेटर है तुमसे भाई तुम्हें तो जीतना ही पड़ेगा ड्रॉ में भी बाहर हो तुम. इट्स अ बिग गेम अरे बाप बाबा होम पे ना ये तो मैंने सोचा ही नहीं. बट बाबा पता होम पे मतलब स्पेशली लास्ट मैच में जो वीएआर की कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी I think Barcelona will be charged up for this game here. I think Barcelona see... will sweep aside Inter in this game. मेरे को लगता है 2-3 goal मारेगी Barcelona Inter को. I don't see Inter getting anything from this game. भाई पर अगर Inter के दिमाग में ये है ना कि they have to walk away with a draw to ensure कि they are going to walk away with a draw if they want to. भाई they, in last match the shit housery they did was unreal. They were sitting back like I've never seen a team sit back like this in a part of Diego Simeone's Atletico in some matches. They were they were so solid defensively. Like they were so solid. They were amazing defensively. Agar main neutral perspective se baat karu to they did the job. They did the job. Main to bhai dekho I'll be very honest. I hope we win obviously. I'm going to back my team but I'm not going to shout ki we are going to clean them apart. Hamare home ke upar hai humne nanga kar denge. Ab now I'm बस हम यूरोपा हम किसी तरह यूसीएल नॉकआउट स्टेजेस पहुंच जाए. फॉर मी इट इज जस्ट मैच बाय मैच नाउ. नो वे एक्चुअली क्या होता है इन मैचेस में है ना देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन डेस्पिरेशन एंड अर्जेंसी जो मैंने सालों साल देखा है टीम्स को करते हुए. सो वेरी थिन लाइन बिटवीन डेस्पिरेशन एंड अर्जेंसी. आप अर्जेंसी दिखाओ
लेकिन डेस्परेट मत हो जाओ कि हड़बड़ा रहे हो, सिंपल चीजें गलत कर रहे हो, आपके पास ऑप्शंस हैं लेकिन क्योंकि आपको गोल मारना ही मारना है तो आप दूर दूर से शॉट ले रहे हो, जो अपन राउंड ऑफ 16 में कितनी बार ही देखते हैं कि टीम्स ओवरऑल हो जाती हैं ओकेजन से स्टॉप्ड। रियल मैड्रिड की अपन अगर बात करते हैं, वो बेसिक सही करता है भाई, वो हड़बड़ी करते ही नहीं है, वो अर्जेंसी दिखाते हैं वो, बट वो नहीं करते है, मतलब क्योंकि रियल मैड्रिड का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि पिछले सीजन उन्होंने कई बार वो करके दिखाया नॉकआउट्स में। तो अगर मतलब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग होगी डायनेमिक देखने के लिए कि एक अर्जेंसी तो चाहिए ही आपको, यू हैव टू गेट बैक इनटू द गेम, मतलब आप दो गोल स्कोर करके एक क्वेश्चन लेके बैठना चाहो चल ठीक है, एक गोल पे भी आर नॉट सेफ, मतलब एक गोल पता नहीं कब इंटर मार दे ऑपोजिशन मार दे, वो वाली चीज है। डेस्परेट ना हो जाए कि अच्छा मारना ही मारना है, दूर से शॉट ले रहे हैं, घुस रहे हैं टैकल्स में, डिसीजन मेकिंग फजी हो रही है, वो चीज नहीं होनी चाहिए जो होती है अक्सर। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और प्रिडिक्शन अगर बात करूं तो आई विल से कि भाई बारसा जीतेगी, मतलब इसमें तो अपन तीनों ही एग्री करेंगे। आई गो विद अ 2-1 बारसा विन, 2-1 बारसा विन के लिए जाऊंगा मैच में, डिफिकल्ट होगा बारसा के लिए बट आई विल गो विद अ विन। आई थिंक कंफर्टेबल विक्ट्री, मतलब वो मोटिवेशन भी है, अर्जेंसी भी है, जरूरत भी, आई थिंक एवरीथिंग इज देयर एंड बार्सिलोना, ठीक है इंजरीज हैं जो भी हैं बट फ्रंट लाइन बहुत स्ट्रांग है, मिडफील्ड बहुत स्ट्रांग है, तो आई एम गोइंग फॉर अ I hope we win. Yeah. चलो देखते हैं क्या होता है। बाकी गाइज आप भी बता दे जितने भी फिक्स्चर्स हैं उनके प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में क्या लगता है, स्पेशली इंटर बारसा का क्या लगता है भाई। मुक्तेश के जैसे ही अगर आपके भी थॉट्स हैं वो भी बताएं, नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, क्या हैं बताएं। और आज रात को वॉच अलॉन्ग होगा चेल्सी वर्सेज मिलान का, तो बिल्कुल आइएगा, उसमें अपन बातें करेंगे डिटेल में। और कल मैं मुक्तेश को ज्वाइन करूंगा बार्सा और इंटर में देखते हैं भाई उस मैच में क्या होता है। भाई डेनिस एंड द मॉन्क और मार्को रोनी, लिंक्स ऑल एज ऑलवेज इन द टाइटल, सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं फिर जल्दी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।